आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। आइए देखते हैं। समाज सेवी बुद्धा जायसवाल द्वारा सरजू पार्क में अनशन धरना जारी, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। गाजीपुर जिले के सरजू पार्क में समाज सेवी बुद्धा जायसवाल द्वारा आशा जायसवाल की हत्या को लेकर अनशन धरना जारी है। आपको बता दें, 6 जून 2021 को मधुर तरंग होटल के मालिक के बड़े लड़के आशुतोष जायसवाल की पत्नी आशा जायसवाल की हत्या फांसी लगाकर कर दी गई थी, जिसमें आशा जायसवाल के बड़े भाई ने सदर कोतवाली में FIR दर्ज करवाई थी। FIR में 302/498A के तहत कार्रवाई कर सदर कोतवाल द्वारा आशुतोष जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन नामजद 4 अभियुक्तों में अभी बाकी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। यह कहना आशा जायसवाल मृतक के बड़े भाई जायसवाल बबलू का। जायसवाल ने बताया कि हमारे पास सारे प्रमाण मौजूद हैं, जिसमें मधुर तरंग होटल के मालिक उदय प्रताप जायसवाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरी बहन को फांसी लगाकर हत्या करी, जिसके कारण हम लोग परेशान हैं और न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं। बबलू जायसवाल का आरोप है कि हम लोगों का शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। जायसवाल ने बताया कि सदर कोतवाल आकर हमें धमकी देते हैं कि तुम अपना धरना समाप्त करो, नहीं तो तुम्हें केस में फंसा कर जेल भेज देंगे। घटनास्थल पर मौजूद बबलू जायसवाल बोधा जायसवाल महासभा के युवा मंच, गाजीपुर के जिला अध्यक्ष संजय जायसवाल, अनिल जायसवाल जिला उपाध्यक्ष, सत्येंद्र जायसवाल, अंकित जायसवाल मीडिया प्रभारी, बबलू जायसवाल मृतका का भाई उजाला जायसवाल उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुलोचन जी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गाजीपुर सब ब्यूरो चीफ शिवलोचन इस समय गाजीपुर ज़िले के सरजू पार्क में उपस्थित हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि यहाँ पे कोई समाज सेवी जो है अनशन पे बैठे हुए हैं, और वह अनशन पे किस लिए बैठे हैं, किस कारण बैठे हैं, मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। पहले मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएंगे कि ये लोग जो अनशन पे बैठे हुए हैं, ये लोग किस कारण बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं अनशन पे, और इन लोगों का क्या वजह है, और कब से बैठे हुए हैं अनशन पे, और कब तक अनशन चलेगा। आइए हम आपसे मिलवाते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे समाज सेवी हैं, क्या आप लोग खड़े हो सकते हैं? ओके, यहाँ पे हम आपसे मिलवाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समाज सेवी कई लोग बैठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ, आप अपनी परिचय बताएंगे। बोधा जायसवाल समाज सेवी स्वामी सहजानंद जन्मस्थली आदर्श गांव देमा से हूँ। इसमें वर्तमान में मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मंडल अध्यक्ष जी हैं आप, बोधा जायसवाल जी समाज सेवी हैं, तो यहाँ पे जो आप बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हुए हैं? एक देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ। देश की बेटी? कौन सी देश की बेटी? क्या वो कोई समाज सेवी थी? नहीं नहीं, आशा जायसवाल, जिसे आजकल मोदी योगी जी का ऐलान था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसी के तहत तमाम बेटियों की हत्या हो रही है। इस हत्या इनके आशा जायसवाल की हत्या के संबंध में बैठा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बता रहे हैं कि आशा जायसवाल की हत्या, जैसा कि यहाँ पे फोटो भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं फोटो वहाँ पे लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो लगाया गया है, और उस फोटो की वजह से यहाँ पे ये लोग बैठे हैं कि यही आशा जायसवाल जी हैं। तो आशा जायसवाल जी की हत्या कैसे हुई है? मृतक आशा जायसवाल की हत्या 5 जून को रेलवे स्टेशन रोड लंका के पास जो है उदय प्रताप मधु तरंग होटल, जिसके मालिक उदय प्रताप जायसवाल जी हैं, वो हत्या उनकी हुई थी। अब किसकी हत्या हुई थी? उसकी हुई थी, मधु तरंग होटल वाले की हुई थी, या मधु तरंग होटल के बड़े लड़के की बहू थी ये? अच्छा, आशा जायसवाल, आपका कहना है कि आशा जायसवाल मधुर तरंग होटल के मालिक की बड़े बेटे की लड़की बहू थी, जिनका नाम आशुतोष जायसवाल था। आशुतोष जायसवाल की जो पत्नी आशा जायसवाल हैं, आशा जायसवाल आशुतोष जायसवाल की पत्नी हैं, उनकी हत्या कैसे हो गई थी? गला दबा करके फांसी दे करके हत्या की गई। फांसी दे करके? इनका कहना है कि आशा जायसवाल का जो हत्या किया गया है, वह जो है फांसी लगा करके किया गया है। तो फांसी आशा जायसवाल ने लगाया या किसी और ने? हम तो बता रहे हैं कि
उनके परिवार वालों ने लगाया है। मैंने NCR दिया है, NCR पर FIR नोट हुआ है 302 एवं 498 IPC धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जब मुकदमा दर्ज है तो आप लोग यहाँ अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? गिरफ्तारी न होने के कारण आज 90 दिन हो गया हत्या हुए। 90 दिन के अंदर केवल आशुतोष जायसवाल ही जेल में है और 3 लोग हत्या में शामिल हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है इस वजह से ये लोग जो है यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं मिलवाना चाहूँगा और यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप अपना परिचय बताएंगे? सर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे सपोर्ट के लिए हमारी बात सुनने के लिए आए। सर मैं बबलू जायसवाल बोल रहा हूँ। मृतका जो मेरी बहन थी आशा जायसवाल, मुझसे बड़ी थी सिर्फ। सर उसकी हत्या हुए महोदय 3 महीने हो गया है, लेकिन आज ये शासन प्रशासन कोई कुछ भी नहीं सुनवाई कर रही है, और नहीं तो और सिर्फ डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि 10 दिन का समय दीजिए मुझे। 3-3 बार अनशन हो चुका महोदय। एक पहली बार प्रथम बार 5 जुलाई को हुआ था, जो 3 दिन 2 रात तक चला था, उसमें तहसीलदार महोदय ने 20 दिन का समय मांगा था, हमने 1.5 महीने का समय दिया महोदय, कोई गिरफ्तारी नहीं किए। इसके बाद 20 अगस्त को दोबारा अनशन हुआ, जो 3 दिन 2 रात तक चला, उसमें SP CT साहब ने आकर करके आश्वासन दिया था उनका। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें समय मांगा था उन्होंने। जैसा कि ये बता रहे हैं बबलू जायसवाल जी कि मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें कि शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार का जो है हम लोगों का मदद नहीं किया है और न हथियारों का गिरफ्तारी हो पाई है। जैसा कि आपके पास क्या उसका प्रूफ है जो आपने NCR काम किया है? यस सर, उसका प्रूफ है सर, सारा एविडेंस है सर। इसके अलावा मेरे पास वीडियो ऑडियो सारे प्रूफ है सर, जिसमें वीडियो में बच्चे खुद कह रहे हैं, जब वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो मेरी बहन मेरे घर से जाती थी बच्चों को मिलने के लिए आदेशानुसार, तो उसमें बच्चों को मिलने का समय दिया जाता था, तो बच्ची उससे पूछ रही थी कि मम्मी तुमको दादा ऊपर 2 मंजिले सीढ़ी से धक्का दे दिए थे तो कैसे बच गई थी मम्मी, मैं तो समझी कि तुम मर गई। उसका मतलब उसको प्रताड़ित भी किया गया था इससे पहले? महोदय 2017 से प्रताड़ना शारीरिक और मानसिक रूप से झेल रही थी। प्रथम बार 17 जुलाई 2017 को हुआ था, जिसमें आपसी सुलह किया गया था पुलिस कोतवाली द्वारा, उसमें उदय प्रताप और आशुतोष ने साफ साफ लिख कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ आपके कहने के अनुसार कि बहुत सारी जो है समस्याएं जो है आपकी बहन ने झेली थी और लास्ट में इसने आत्महत्या किया है या मार डाला गया? हमारा पूरा प्रूफ है सर, इसको मारा गया है सर। आप विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मारा गया है? यस सर, अगर मैं झूठा कह रहा हूँगा सर तो मेरे सारे मुकदमे निरस्त कर दिया जाए सर। अगर ये 4 जून को मेरी बहन, मेरे बड़ा जो मेरे जीजा है सर, पोस्टमार्टम भी किया गया होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आई थी आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सर एक ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी, उसमें क्लियर नहीं हो पाया था। दूसरा पता किया गया तो इन्होंने कहा कि दूसरा मेरे पास अभी नहीं आया। बबलू का कहना है कि ये दावे के साथ कह रहे हैं बबलू जी कि मेरी बहन की हत्या की गई है। यहाँ पे और कुछ लोग उपस्थित हैं, मैं जानना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपका परिचय बताइएगा। मैं युवा मंच का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं आशा जायसवाल को न्याय दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, युवा मंच किस चीज़ का युवा मंच है? जायसवाल युवा मंच का जिला, जायसवाल युवा मंच का अध्यक्ष जी यहाँ पे उपस्थित हैं और ये जो है बता रहे हैं कि मैं आशा जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। जी सर। तो आप जो है कि यहाँ पे, और बोधा जी आप क्या कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि मुझे न्याय न दिलाकर शासन प्रशासन कोतवाल साहब कल 7 बजे 3 तारीख को 7 बजे रात को हमको धमकी दे रहे हैं, जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। हमको किसी भी समय बोल रहे हैं किसी केस में फंसा कर जेल भेज देंगे, तो मैं कोतवाल साहब को खुली चुनौती दे रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाएगा, कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं और इनका जो है कि ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ